तेरी आंखों का इशारा समझे है दिल हमारा, कभी ख्वाबों में आके जरा मिल। तेरे पीछे ये बेचारा फिरता है मारा मारा, मेरी सांसों की तू है मंजिल। फिर भी कूल है ये भी तू, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मूवी तेरी तोड़े रूल है, तू है डिस्को दीवानी। हाँ ये वक्त नशा तेरा कर कर के करता है रात ये पूरी, बेबी स्लो अब नींद नहीं आनी। डांस मेरी रानी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, नोरा फतेही का ये मैं सॉन्ग जो है डांस दीवानी, उसका मेकअप लुक, इंस्पायर मेकअप लुक करने जा रही हूँ। सो आप लोगों को आई होप पसंद आएगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फर्स्ट मैंने टोनिंग करी है गुलाबरी के टोनर से, गुलाबरी सबसे बेस्ट रहता है हमारे स्किन के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, फ्रूट्स मॉइस्चराइज़र है ये, काफ़ी अच्छा एंड अफोर्डेबल। और जैसे विंटर्स हैं तो इसमें आपको अपना स्किन केयर अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्किन केयर नहीं करोगे तो आपका चेहरा बहुत डल लगेगा एंड मेकअप भी अच्छे से नहीं होगा। इसके बाद लिप्स को भी अपने मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर वैसलीन मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, लिप बाम। सो जिससे आपके लिप सॉफ्ट एंड सपल रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ अपने चेहरे को प्राइम करने के लिए। आप दूसरा कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो बट मैंने यहाँ पर अभी एलोवेरा जेल यूज़ किया प्राइमर के लिए। इसके बाद विंटर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो चेहरे पे ग्लो चाहिए। सो बहुत अफोर्डेबल है गाइस ये, अगर आप लोग भी ढूंढ रहे हैं तो। ये जॉनसन बेबी का ऑयल है, बेबी ऑयल, इसको आप एज अ सीरम यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा शाइन एंड बेस को बहुत ही अच्छा कर देता है। इससे आपका फाउंडेशन, बेबी क्रीम जो भी आप लगा रहे हैं वो बहुत अच्छे से आपके चेहरे पर स्प्रेड हो जाती है। यहाँ पर मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है लैक्मे का, और ये भी बहुत अफोर्डेबल गाइस। जितने प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत अफोर्डेबल्स हैं और आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। और इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से स्प्रेड करूँगी। सो मैं इसके ऊपर अपना मेकअप फिक्सर को अप्लाई कर दूँगी, जिससे मेरा फाउंडेशन पूरे चेहरे पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए और पैचिनेस ना लगे। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से काफ़ी अच्छे से मेरा जो भी फाउंडेशन है वो चेहरे पे स्प्रेड हो रहा है। एंड आप ब्यूटी ब्लेंडर की जगह पर फाउंडेशन ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छे तरीके से फाउंडेशन आपके चेहरे पे लग जाता है। बट यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया है और आप देख सकते हो इवनली मेरे चेहरे पर फाउंडेशन स्प्रेड हो गया है। नेक एंड ईयर को कभी मत भूलिएगा, और इस पर भी मैं अच्छे से लगा लूँगी। आप देख सकते हैं गाइस इतना अच्छा लग रहा है इस टाइम फाउंडेशन। इसके बाद मैं यहाँ पर इनसाइट का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल्स को एंड जो भी मेरे डार्क एरियाज है इसको हाइड करने के लिए। इसको भी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ एंड स्प्रेड कर रही हूँ पूरे चेहरे पर अच्छे से, और टैप टैप करके ही इसे हमें चेहरे पर स्प्रेड करना है। सो गाइज़, आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से मेरा फाउंडेशन पूरे में अप्लाई हुआ है। और इसके बाद मैं अपने आई शेडोज़ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कंसील कर रही हूँ अपनी आईलेट को, जिससे मेरा जो भी आई शेडो है वो इन्हेंस होकर नज़र आए और आई लुक काफ़ी अच्छा लगे फेस के ऊपर। सो प्लीज़ गाइज, आप लोग भी मेकअप जब भी करते हो तो आईज़ को प्लीज़ कंसील ज़रूर करिए, कंसीलर ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि उससे ही आपका आई शेडो उभर के आता है आपके चेहरे पर। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने चेहरे को सेट कर लूँगी। आप लूज़ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो एंड पिच कलर के आई शेडो से मैंने अपनी आईलेट को आई शेडो अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने इस पर सिल्वर कलर का आई शेडो अप्लाई कर लिया फिंगर की हेल्प से। आप देख सकते हो कितना ईजी वे में कर लिया है मैंने। एंड इसके बाद मेरा चुटकियों में आईब्रो भी कंप्लीट हो गया है एंड आईलाइनर भी मैं साथ साथ अप्लाई कर रही हूँ।
सो गाइज़, मैंने दूसरे आइज पे भी अपना लाइनर इजीली लगा लिया है और ये बहुत ही इजी एंड बिगनर फ्रेंडली मेकअप है और आप इसको बहुत इजी वे में कर सकते हो। पार्टी मेकअप भी कर सकते हो, पार्टी मेकअप ये बहुत ही अच्छे से जाएगा टीनेजर्स के लिए। सो यहाँ मेरा लाइनर कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का और काफ़ी अच्छा मस्कारा, अफोर्डेबल, और ये लैश को मेरे थोड़ा बहुत तो कर्ल कर देता है। इससे ही मैंने अपने आईब्रोज को भी सेट कर लिया है एंड इसके बाद जो भी मेरा फेस पे पाउडर था, फॉल आउट था, वो मैं एक ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। देन इसके बाद मैं अप्लाई करने जा रही हूँ अपना ब्लश। ब्रश को मैं अच्छे से चीक्स पे अप्लाई करूँगी दोनों एंड अपने नोज़ पे अप्लाई करूँगी। ये पिंक शेड में है लेरी रोडा और आप देख सकते हो कितना नेचुरल लुक देता है ये मेरे चीक्स पे और बहुत अच्छा लगता है ये। एक्चुअली मुझे ये फेवरेट है एंड अफोर्डेबल भी है। सो इसके बाद मैंने हिलेरी रोडा का ही पैलेट, आई शेडो पैलेट में से ब्राउन शेड से अपनी कंटूरिंग की है नोज़ की एंड जो लाइंस अपनी, जिससे मेरा चेहरा थोड़ा सा शार्प लगे। और कंटूरिंग करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं करते तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक का शेड नहीं पता है, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपको बता दूँगी। देन इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ इन कलर्स का हाइलाइटर। जो भी मेरे हाईलाइट पॉइंट्स हैं इन सब पे मैं हाइलाइटर को अप्लाई कर लूँगी एंड आई होप जो भी मैंने मेकअप किया है वो आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक ज़रूर देना गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड नहीं हो इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये बहुत मेहनत लगती है एक लुक को कंप्लीट करने के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा, सो प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, लव यू, टेक केयर। नाच 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 मेरी रानी।